इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई कारकुनन के हिरासा करण का रोकण जो हुक्म दींदे आईजी इस्लामाबाद आई डिप्टी कमिश्नर के नोटिस जारी करे छड़िया। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दिना तो 2014 वाले धरड़े में जेको थियो उनकी जिम्मेवारी अदालत कबूल करे सघे थी, उहो कहें भी कयो हो अन्या ताई पकड़े न सघियो आहे। हुकूमत के दिसण घुर्जे तो इहो आईनी हक आहे आई पुरअमन तरीके से कयो वने। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्ला पीटीआई कारकुनन की गिरफ्तारी आई रस्ता बंद करण खिलाफ दरख्वास्त बुधणी कई। पीटीआई के वकील चयो तो पुरअमन एहतजाज आईनी हक है पर गुजरल रात खां सजे मुल्क में क्रैकडाउन जारी है। चीफ जस्टिस रिमार्क्स दींदे चयो तो सुप्रीम कोर्ट जो धरणे केस जो फैसलो है, उन मुताबिक ही हिदायतू दियूं था। 2014 में हुकूमत की इजाजत से धरणो हयो वयो हो, उन वक्त अदालत जो हुक्म छा हो। इन वक्त अदालत में दरख्वास्त दाखिल कई वही त गिरफ्तारियों क्यों पी वन तेरे हुक्म जारी कर वो है। चीफ जस्टिस तो कुछ वक्त अग पार्लियामेंट लॉजिस में कौमी असेंबली के मेंबरन के भी हिरासा कर वो, उहो हुकूमत के दिसण घुर्जे तो जो आईनी हक समझे उनके पुरअमन तरीके से करण दिनों वे। पुरअमन एहतजाज सभी जो हक है। चीफ जस्टिस 2014 के हुक्म का पार्लियामेंट ए पीटीवी ते हमला थिया, एक सीनियर पुलिस एहलकार जख्मी थे पो। उन वक्त रियासती रिट के चैलेंज किया वो हो, 2014 वाले धरणे का जो कुछ थो उन जिम्मेवारी अदालत कबूल कर सके पी, उन करी अदालत के मोहतात रहनो पवंदो आहे। चीफ जस्टिस वकील का पुछाणो कयो त छा अवा रैली लाए दरख्वास्त दिनी आहे, जहें ते वकील कंध लोड़े जवाब दिनो, जहें बाद अदालत पीटीआई कारकुनन के गैर जरूरी हिरासा करण का रोकण जो हुक्म दींदे आईजी आई डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के नोटिस जारी करे छड़िया।